आज हम घर पे बनाते हैं बेसन और सूजी से बच्चों के लिए स्नैक्स की रेसिपी। इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये इतने क्रंची इतने क्रिस्पी बनेंगे ना कि बच्चे इसे कुटर कुटर करके खाएंगे। बच्चे तो बच्चे, बड़े भी इसको टी टाइम में स्नैक्स की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं बेसन और सूजी से मज़ेदार स्नैक्स की रेसिपी। सबसे पहले हम एक बोल लेंगे और बोल में हम 2 कप बेसन डाल देंगे। बेसन मोटा पतला आपके पास जैसा भी हो आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। 2 कप बेसन के बाद इसमें हम 3 चम्मच सूजी डाल देंगे। सूजी भी आपके पास मोटी पतली कैसी भी हो आप डाल दीजिए। सूजी का काम बस इतना है कि ये स्नैक्स आपके क्रिस्पी बनेंगे। इसके साथ अब हम मसाले डालेंगे। थोड़ी सी हल्दी पाउडर डालेंगे, 1/2 चम्मच से थोड़ा कम। कलर के लिए कुटी हुई लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ 1/2 चम्मच। आपके पास अगर नॉर्मल वाली रेड चिली पाउडर है तो 1/2 चम्मच आप वो डालिएगा। भुने जीरे का पाउडर 1/2 चम्मच डाल देंगे। चाट मसाला 1/2 चम्मच से थोड़ा ज़्यादा डाल देंगे, इससे चटपटा बनेगा। काली मिर्च है तो काली मिर्च मैं डाल रही हूँ इस तरह से क्रश करके 1/4 टेबल स्पून। अगर आपके पास काली मिर्च पाउडर है तो वो डाल दीजिएगा, लेकिन अगर आप इस तरह से क्रश करके डालेंगे तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो काली मिर्च को भी मैंने क्रश करके डाल दिया है। अब हम इसमें डाल रहे हैं काला नमक। काला नमक मैं 1/2 चम्मच डाल रही हूँ, चटपटा फ्लेवर देता है और साथ ही में सादा वाला जो नॉर्मल नमक होता है वो थोड़ा सा डाल दे रहे हैं। उसका हिसाब आप अपने हिसाब से रखिएगा क्योंकि नमक ज़्यादा ना हो जाए। कसूरी मेथी 2 चम्मच हम हाथों से क्रश करके डाल रहे हैं। अब हम इन सारे मसालों को आपस में अच्छे से मिक्स कर देंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, अगर आपको अजवाइन का फ्लेवर पसंद है तो आप यहाँ इसी में इस समय 1/4 टेबल स्पून अजवाइन भी डाल सकते हैं। मैं अजवाइन डालना भूल गई थी, तो आप लोग अजवाइन ज़रूर डालिएगा 1/4 टेबल स्पून, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अब हम इसमें डालते हैं 4 से 5 चम्मच नॉर्मल वाला कोई भी कुकिंग ऑयल। ऑयल डालने से क्या होगा कि आपके जो स्नैक्स हैं ना बहुत ही बढ़िया मज़ेदार क्रिस्पी कुरकुरे करारे बनेंगे। तो ऑयल को हम इस सारे मिक्सर में बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। ये मिक्सिंग लगभग हम 1 मिनट तक करेंगे। मिक्सिंग बहुत अच्छे से करनी है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसको बोलते हैं मोए करना। अगर मोए अच्छे से नहीं होगा तो आपका डो बढ़िया तैयार नहीं होगा और आपके स्नैक्स कुरकुरा करारा नहीं बनेगा। थोड़ा सा मिक्सर हाथ में लेके हम इस तरह से बाइंड करेंगे। अगर बाइंडिंग अच्छे से हो रही है बिल्कुल इस तरह से तो आपका मोए बिल्कुल परफेक्ट तैयार हुआ है, लेकिन अगर बाइंडिंग नहीं हो रही है तो आप 1 चम्मच तेल और डाल के मिक्स कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल के एक सख्त सा डो तैयार करेंगे। पानी आप इकट्ठे बिल्कुल भी मत डालिएगा क्योंकि बेसन को सानने में गूंथने में पानी बहुत कम यूज़ होता है। तो बहुत ही ज़रा ज़रा सा 1-1 चम्मच हम पानी डाल रहे हैं और इसको मिक्स करते जा रहे हैं। बहुत ध्यान से डो को तैयार करिएगा, नहीं तो अगर ये गीला हो जाएगा तो आपको ऊपर से बेसन या फिर सूजी डालनी पड़ सकती है। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डाल के पूरे डो में अच्छे से मिक्स करते जाइए और इसकी बाइंडिंग करनी है हमें टाइट सी, यानी कि डो हमें बहुत टाइट सा तैयार करना है। हाथों में बेसन चिपकता बहुत है तो आप बीच बीच में हाथ को साफ करते रहिएगा। जो मिक्सर आपके हाथ में लग रहा है उसको छुड़ाते जाइएगा और उसको भी इस डो में मिलाते जाइएगा। बेसन को हम इसी तरह से सानते हैं। अब हाथ में हम थोड़ा सा ऑयल ले लेंगे। थोड़ा सा ऑयल लेके जब हम इसको इस तरह से चिकना करते हैं तो बेसन पूरा आपस में चिपक जाता है, खूब चिकना सा डो तैयार हो जाता है। तो ये देखिए, बेसन हाथ का मैंने सारा छुड़ा दिया था, डो हमारा लग के तैयार हो चुका है। इस तरह से हमें एक सख्त डो तैयार करना है। अब हम इसको ढक के 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे, जिससे कि सूजी को जितना फूलना है या पानी पीना है वो पी ले। 15 मिनट बाद हम इसे चेक करते हैं तो डो हमारा अच्छा सा सख्त सा तैयार है। इसको हम थोड़ा सा और चिकना कर लेते हैं, हाथों से मसल लेते हैं। तो हमने यहाँ पे इसको अच्छे से मसल लिया है। अब हम इसको बेलना शुरू करेंगे। एक मोटा सा पेड़ा ले लीजिए और बाकी को साइड में रख दीजिए। अगर आप चाहें तो हल्का सा सूखे आटे से डस्ट करके आप इसको बेल सकते हैं, लेकिन मुझे अभी आटे की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, ये चिपक नहीं रहा है। अगर ये चिपकेगा तो हम इसमें आटा लगाएंगे। हमें बहुत पतला सा बेलना है तो यहाँ पे ये थोड़ा थोड़ा सा चिपकना शुरू हो रहा है, तो मैं इस पर थोड़ा सा आटा, जो नॉर्मल वाला गेहूँ का आटा होता है ना, वो मैं इस पर छिड़क रही हूँ। बेसन नहीं लगाना है, हमें गेहूँ का आटा लगाना है।
तो इस तरह से हमने हल्का सा डस्ट कर दिया है और अब हम इसको बिल्कुल पतला सा बेल लेंगे। ये बिल्कुल चिपकना नहीं चाहिए जिस पे आप रोलिंग बोर्ड पे बेल रहे हैं, नहीं तो फिर आप इसको काट के निकालेंगे कैसे, इस बात का ध्यान रखिएगा। बिल्कुल पतली सी शीट हमने तैयार कर ली है। इस तरह का कोई भी चम्मच है आपके पास, फोक है, तो उससे आप छेद छेद सा कर दीजिए। ये छेद छेद करने से क्या होगा, ये बीच में से फूलेंगे नहीं जब हम इनको तलेंगे। तो पूरे में हमने छेद कर दिया है। पिज्ज़ा कटिंग करने वाला जो चाकू होता है, जो कटर होता है, उससे अब हम इसके साइड के एजेस को काट देंगे, क्योंकि हमें इसकी पतली पतली सी पट्टियाँ चाहिए। इस तरह से कट करेंगे जैसे नाचोस मार्केट में मिलते हैं। तो इस तरह की हमने पतली पतली सी पट्टियाँ तैयार कर ली हैं। अब हम इसमें से इन पट्टियों से ट्रायंगल शेप में कट करेंगे। एक तरह से आप इसको नाचोस भी बोल सकते हैं, जो मार्केट में मिलते हैं पैकेट्स में, वो बहुत अनहेल्दी होते हैं। आप घर में इस तरह के नाचोस बनाइए और बच्चों को खिलाइए, बहुत हेल्दी होता है, बेसन बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो आप कोशिश करिए बच्चों के लिए जो स्नैक्स हैं वो घर पे ही तैयार करें। तो यहाँ पे ये ट्रायंगल शेप में मैंने कट कर लिया। इस तरह से हम सारे पहले कट कर लेंगे, उसके बाद हम इकट्ठे इनको तलेंगे। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, नहीं अच्छा लग रहा है तो डिसलाइक करिए, और अगर मेरा वीडियो और मेरी कोशिश आपको पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करना आपके लिए तो फ्री है, लेकिन मेरे लिए बहुत मायने रखता है, तो सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करिए। अपना प्यार, अपना सहयोग आशूस कुकिंग मैजिक के साथ बना के रखिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने इस तरह से ट्रायंगल शेप में सारे कट करके इकट्ठा रख लिए हैं। तो आप ये देखिए, सारे हमने एक साथ कटिंग कर ली है। अब हम इनको इकट्ठा तलते हैं। बहुत आसान रेसिपी है फ्रेंड्स। मीडियम फ्लेम पे तेल हमारा खूब अच्छा गरम है, तेल अच्छा गरम होना चाहिए मीडियम फ्लेम पे। उसके बाद हम ये सारे जो नैचोस हैं वो डाल देंगे इसमें, और ये मुश्किल से 2 से 3 मिनट में तल के तैयार हो जाता है। तो मीडियम टू हाई फ्लेम पे हम इसको तलेंगे। लो फ्लेम पे नहीं तलना है, मीडियम टू हाई फ्लेम पे अल्टा पलटी करते हुए हर तरफ से इसको सुनहरा गोल्डन कलर आने तक हम इसको तल लेंगे। तो यहाँ पे हमारे होममेड नैचोस घर पे बनके तैयार हो गए। कितने लाजवाब लग रहे हैं, और सच बताएं जब मैंने इसको बनाया था और फिर खाया था, मुझे विश्वास ही नहीं हुआ था कि ये घर पे बने हैं। तो आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। यहाँ पे हमने नैचोस को तल लिया है और इस तरह से हम इसको कढ़ाई में से निकाल ले रहे हैं। तो ये देखिए कितने बढ़िया लग रहे हैं, देखिए है ना, बढ़िया बनके तैयार हो गए ना, बिल्कुल मार्केट जैसे। अभी इसको साइड में करते हैं, जो बचे हुए हमारा दूसरा बैच है उसको भी हम तल लेंगे। तो इस तरह से सारे आप इकट्ठे डाल दीजिए, इनको आप इकट्ठे डाल दीजिए, आपस में चिपकते नहीं हैं। बस जैसे ही तेल के संपर्क में आते हैं ये एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। मुश्किल से 2 से 3 मिनट में अल्टा पलटी करते हुए सुनहरा गोल्डन कलर आने तक हम इनको तल लेंगे, और हमारे मार्केट जैसे नैचोस घर में बनके तैयार हो जाएंगे। बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं और दिखने में इनका टेक्सचर इतना बढ़िया है कि कोई भी इसको पकड़ ही नहीं सकता है कि ये घर पे बनके तैयार हुए हैं, है ना, कितने बढ़िया बने हैं। तो ये लीजिए, हमारा दूसरा बैच भी तल के तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हम इसको सर्व करने की तैयारी करते हैं। तो ये देखिए, मार्केट से कहीं ज़्यादा बढ़िया नैचोस आपके घर पर बन गए हैं। इसकी आवाज़ सुनिए, कितनी खनकती हुई आवाज़ के ये नैचोस बने हैं। देखिए कितने क्रिस्पी हैं, देखिए कहीं से भी हमने इसमें बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर नहीं मिलाया है, और इसका टेक्सचर देखिए कितना बढ़िया बना है। और इसको हाथ से तोड़ के दिखाती हूँ मैं, क्रश करके, ये देखिए कितने क्रिस्पी है। कोई भी डिप तैयार करिए, कुछ नहीं है तो टोमेटो सॉस के साथ इसको सर्व करिए, और साथ ही में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, नहीं पसंद आया है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, और साथ में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा जब आप इस रेसिपी को ट्राई करिएगा कि आपकी रेसिपी कैसी बनी और आप लोग किस शहर से मेरा वीडियो देख रहे हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करिएगा फ्रेंड्स। आप लोगों के सपोर्ट और प्यार की मुझे बहुत ज़रूरत है। अपना ख्याल रखिए, घर का बना हुआ खाना खाइए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और मेरा वीडियो देखते रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।